भारत हमेशा से ही राजा महाराजाओं के देश रहा है, जहाँ पे हमने बहुत सारे राजा महाराजाओं के किस्से सुने हैं, इतिहास पढ़े हैं और उनके विषय में जाना है। हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया था भारत के 7 ऐसे बहादुर महारानियों के बारे में जिनकी बहादुरता इतिहास के पन्नों में लिखी हुई है। आज हम हमारे इस वीडियो में जानेंगे भारत के 12 ऐसे महाराजाओं के बारे में जो ना कि सिर्फ बहादुर पराक्रमी उपरंतु महान भी थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। उनमें से बहुत सारे राजा ऐसे भी थे जिनके राज्य बहुत फले फूले और जिनकी वजह से भारत के इतिहास कई हद तक बदल गई। जैसे कि नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और भारत के अधिकांश लोगों को एक राज्य में एकजुट करने वाले पहले सम्राट थे। उन्होंने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक 24 वर्ष अपने बेटे बिंदुसार के राजा बनने से पहले तक शासन किया। वो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनके शासन से पहले जब नंद साम्राज्य सिंधु गंगा महाद्वीप पर हावी था तब पूरा भारत छोटे छोटे राज्य में विभाजित था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासनकाल में तमिल क्षेत्र यानी चेरा, चोल, पांड्या और आधुनिक राज्य उड़ीसा को छोड़कर लगभग सभी भारतीय राज्य पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। नंबर 2, अशोक मौर्य। राजा अशोक मौर्य को आमतौर पर सम्राट अशोक और अशोका द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के एक ऐसे शासक थे जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक 27 वर्षों में लगभग सभी भारतीय राज्यों पर शासन किया था। उनकी राज्य पश्चिम में हिंदू कुश पहाड़ों से लेकर पूर्व में बंगाल तक और वर्तमान में तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ था। उनके राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान के बिहार में स्थित है। नंबर 3, पोरस उर्फ पुरु। राजा पोरस यानी राजा पुरु एक प्राचीन भारतीय राजा थे जिनका क्षेत्र पंजाब के झेलम नदी से चिनाब नदी के बीच में था। उन्हें असाधारण कौशल के साथ एक महान योद्धा होने का खिताब दिया जाता है क्योंकि पोरस ने अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ युद्ध किया था। युद्ध में पोरस की हार और अलेक्जेंडर की जीत हुई थी, लेकिन हारने के बाद पोरस को गिरफ्तार कर लिया गया और अलेक्जेंडर ने उनसे पूछा कि आपके साथ अब कैसा व्यवहार किया जाए। राजा पोरस की हार होने के बाद भी उन्होंने गर्व से कहा कि मेरे साथ एक राजा की तरह व्यवहार किया जाए। उसके बाद कहा जाता है कि इस उत्तर से अलेक्जेंडर इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने न कि सिर्फ राजा पोरस को उनके राज्य लौटा दिया बल्कि कुछ और हिस्सा भी उन्हें प्रदान किए राज करने के लिए। नंबर 4, राजा राजा चोला। राजा राजा चोला दक्षिण भारत के चोला साम्राज्य के सबसे महान राजा थे जिन्होंने 985 ख्रीष्टाब्द से 1014 ख्रीष्टाब्द के बीच शासन किया। उनके शासनकाल में चोला साम्राज्य एक महान साम्राज्य के रूप में उभरने लगा। उन्होंने चोला साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर में कलिंग यानी ओडिशा तक किया। वो तमिल साहित्य का एक महान संरक्षक थे क्योंकि उन्होंने उनके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध तमिल कवियों के ग्रंथों को एकत्रित किया
और उन्हें थिरुमुरै नामक एक संकलन में संपादित कर दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया, जो कि सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। उन्हें राजा राजा यानी समस्त राजाओं के राजा भी कहा जाता है। नंबर 5, सम्राट कनिष्क। सम्राट कनिष्क या कनिष्का द ग्रेट कुषाण वंश के सम्राट थे, जिन्होंने 127 से 151 ईसा पूर्व के बीच भारत के विशालकाय हिस्सों में शासन किया। वो अपनी सेना, राजनीति और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। पहले के विद्वानों की द्वारा माना गया है कि कनिष्क 78 ईसा पूर्व में कुषाण सिंहासन पर विराज हुए थे और तब से इस तिथि को शक कैलेंडर योग या शकाब्द भी कहा जाता है। कश्मीर के पास एक शहर कनिष्कपुर, वर्तमान नाम कनिष्कपोरा, उनके नाम पर आधारित है, जहां पे कनिष्क के नाम पे आज भी एक बड़ा सा स्तूप देखने को मिलता है। नंबर 6, जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने उत्तर भारत के लगभग सभी इलाकों में शासन किया और जिन्हें आज भी भारत के महान राजाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की एक शक्तिशाली भीत बनाई और मुगल साम्राज्य को प्रसारित किया। उनकी शासनकाल में साम्राज्य की अर्थव्यवस्था भी विकसित हुई और शादी और कूटनीति के माध्यम से उन्होंने शासकों पर विजय प्राप्त करने का नीति अपनाया था। नंबर 7, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को भारत का सबसे महान योद्धा माना जाता है। वो सिर्फ 13 वर्ष की आयु में अजमेर के सिंहासन पर बैठे जब उनके पिता की एक लड़ाई में मृत्यु हो गई थी। दिल्ली के शासक उनके दादा आंगम ने उनकी हिम्मत और बहादुरी के बारे में सुनकर उन्हें दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकार के रूप में घोषित कर दिया। वो इतना पराक्रमी राजा थे कि उन्होंने एक बार बिना किसी हथियार के एक शेर को मार गिराया था। नंबर 8, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी भारतीय इतिहास में सबसे महान राजा और सबसे सफल सेनापति थे। वो भारतीय नौसेना का पिता थे। उनके अलावा किसी और ने नौसेना का महत्व नहीं समझा था। उन्होंने अपने पिता से विरासत में मिली 2000 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी से 1,00,000 सैनिकों की सेना तैयार की थी। इसके अलावा शिवाजी बहुत दयालु शासक थे। उन्होंने ऐसा कानून स्थापित किया जो राज्य की सामाजिक अखंडता के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने यहाँ तक कि मुस्लिम मलिन बस्तियों के लिए भी मस्जिद की स्थापना की। नंबर 9, महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह शिख साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने एक आंख और एक हाथ खो देने के बावजूद भारत में सबसे महान साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया। उन्होंने पंजाब से दुर्नीतियों को बाहर निकाला और मुल्तान और पेशावर पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा कसूर को भी भयंकर पठानों से जीत लिया। उनके पास हरि सिंह नलवा, दीवान मोखम चांद और जोरावर सिंह जैसे कुछ दुर्जय सेनापति थे। साथ ही जिन फ्रांसिस्को अलर्ट जैसे यूरोपियन भी थे। नंबर 10, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ साम्राज्य के एक हिंदू राजपूत शासक थे। प्रताप के लगभग सभी साथी राजपूत सरदार मुगलों के अधीन हो गए थे। यहाँ तक कि प्रताप के अपने भाई शक्ति सिंह और सागर सिंह ने अकबर की सेवा की। दरअसल कई राजपूत प्रमुख जैसे मान सिंह ने भी अकबर की सेना में कार्य किया, लेकिन उन्होंने मुगल साम्राज्य को शासक के रूप से स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। नंबर 11, हेमचंद
विक्रमादित्य। विक्रमादित्य यानी हेमू 16 शताब्दी के दौरान उत्तर भारत के एक हिंदू सम्राट थे, जब मुगल और अफगान इस क्षेत्र के लिए आपस में लड़ रहे थे। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में दिल्ली की लड़ाई में अकबर की मुगल सेना को हराने के बाद हेमू ने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। 350 साल से अधिक समय तक शासन करने वाले तुर्की और मुगलों के बाद उन्होंने उत्तर भारत में भारत की मूल शासन की फिर से स्थापना की थी। नंबर 12, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान उस समय एक राजकुमार थे जिन्होंने 15 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ अपने पिता के साथ पहले मैसूर के युद्ध में गए थे। उसके बाद उन्होंने कर्नाटक युद्ध में भी घुड़सवार सेनाओं के कमांडर के रूप में भी साथ दिया। ऐसे ही बहुत सारे युद्ध के बाद वो राजा बने और अंग्रेजों को हुक्म देने वाला पहला शासक बने। तो दोस्तों, ये था कुछ महान राजाओं की कहानियां और किस्से। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अपने फेवरेट राजाओं के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।